देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। साइबर ठगी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। राजधानी देहरादून में साइबर फोरेंसिक लैब खुलने जा रही है। यह राज्य की पहली साइबर फोरेंसिक लैब होगी। लैब के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को गृह मंत्रालय ने 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। एसटीएफ की एसएसपी रिधिम अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब खुलने से देहरादून सहित उत्तराखंड के 13 जिलों को इसका फायदा होगा। अब तक स्थानीय पुलिस साइबर ठगी की पड़ताल के लिए दिल्ली या फिर चंडीगढ़ की फोरेंसिक लैब की मदद लेती है, जिससे केसों को हल होने में लंबा समय लग जाता है। मगर अब ऑनलाइन फ्रॉड या सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों की जांच स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। बेसिकली एमएचए ने लगभग 90 करोड़ का बजट जो है सभी स्टेट्स को आवंटित किया है साइबर फोरेंसिक लैब्स की गठन के लिए। उत्तराखंड में हमें 1.5 करोड़ प्राप्त हुआ है। उससे हम विभिन्न प्रकार के फोरेंसिक्स के टूल्स क्रय करेंगे जो आगे जाकर हमारी इन्वेस्टिगेशन में, डिटेक्शन में हमें मदद देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमें एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, डिजिटल एविडेंस, उसकी एविडेंशरी वैल्यू को कोर्ट में प्रूफ करने में भी मददगार होंगे। तो मैं यही कहूंगी कि साइबर फोरेंसिक लैब जब हमारे स्टेट में खुल जाएगी तो साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी फोर्स और दक्ष हो जाएगी। फिलहाल एमएचए एक गाइडलाइन इस पर तैयार कर रहा है कि किस प्रकार के इक्विपमेंट्स जो हैं साइबर फोरेंसिक लैब के लिए हर स्टेट को ज़रूरी हैं। वो जैसे ही गाइडलाइंस प्राप्त होती हैं उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ पर स्टेट लेवल पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। देख रही है क्राइम स्टोरी।